जनता की बैंकों के ऋण, मोटर व्हीकल और पारिवारिक मामले समेत अन्य समस्याओं के निस्तारण के लिए बागपत जिले की कचहरी परिसर में आज लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें बैंकों, विद्युत विभाग और अन्य विभागों से संबंधित 1903 मामलों का संबंधित विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी में निस्तारण कराया गया और 3,33,87,905 रुपए की धनराशि भी वसूली गई। दरअसल आपको बता दें, आज जिला न्यायालय के नवीन परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जिला जज उमेश कुमार शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर लोक अदालत का शुभारंभ किया। सर, लोक अदालत का आयोजन किया गया है, काफी समय बाद किया गया क्योंकि कोरोना काल भी था बीच में, तो कितने दिन बाद किया गया है क्योंकि जो जनता की समस्याओं के समाधान के लिए लोक अदालत का कितना लोगों के लिए सफल रहता है? देखिए, लोक अदालत का जो आयोजन है वो कोरोना काल में काफी बाधित रहा। पिछली जो लोक अदालत हुई थी वो मिनी लोक अदालत थी, जिसके अंदर काफ़ी मुकदमों का निस्तारण हुआ था। अब ये दोबारा एक रेगुलर लोक अदालत में 22 मार्च के लॉकडाउन के बाद ये पहली रेगुलर लोक अदालत थी, जिसमें आज अच्छा डिस्पोजल होने की उम्मीद भी है और आने वाले टाइम में रेगुलर लोक अदालत होंगी, इस चीज़ का आसार लग रहे हैं, आगे रेगुलर लोक अदालत होती रहेंगी। इसमें किस तरह के मामलों का निस्तारण यहाँ पर किया जाता है? देखिए, इसमें फैमिली कोर्ट से संबंधित मुकदमों का निस्तारण हुआ है। 8 करीब ऐसे लोग हैं जिनके परिवार बसे हैं, जिन्हें सुलह समझौते के तौर पे पति पत्नी को साथ विदा किया गया, फैमिली जैसा विकास सर द्वारा। जिला साहब के और कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लेवल पे MACT का मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने भी काफ़ी मुकदमे इसमें निपटाए हैं और अभी भी प्रक्रिया जारी है। बैंक से संबंधित हैं, इसमें मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के केस हैं और पेटी केसेस हैं, जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई हैं उनकी परिधि में आते हैं। डिस्पोजल इस बार अच्छा होने की उम्मीद है, पिछली बार से ज़्यादा रहेगा डिस्पोजल और काफ़ी सक्सेसफुल लोग अदालत ही रहेगी। हाँ बिल्कुल, देखिए ये हर्ष का विषय है, खुशी का मौका है हम सभी के लिए कि हिंदुस्तान कहीं ना कहीं दोबारा पटरी पर आ रहा है, कोर्ट भी रेगुलर हो गए हैं और लोग आए हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से हाजिर हुए हैं लोक अदालत में और जनता का सहयोग भी ज़रूरी है। छोटे मोटे जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं निस्तारण उनका होता रहे, इससे कोर्ट की पेंडेंसी भी फ्रेश बनी रहती है और इससे जो लोगों को न्याय है वो वहाँ तक पहुँचने में आसानी मिलती है। लोक अदालत बहुत अच्छा जरिया है छोटे मोटे जो मामले हैं उनको डिस्पोजल कराने के लिए। अच्छा सर, गांव के क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी बात की जा रही थी कि चौपाल लगाई जाएगी, वहाँ पर समाधान किए जाएंगे, ऐसी बात सामने आई थी, क्या प्रयास? इसमें देखिए, कई लेवल पे विधिक सेवा प्राधिकरण बागपत ने भी बहुत प्रयास कर रहे हैं कि बाहर निकले, कैंप्स भी हो रहे हैं, काफ़ी लोगों को मोटिवेट भी किया गया है, सेंसिटाइज भी बहुत प्रोग्राम हमने कराए हैं देहात में, जिससे आने वाले समय में चौपाल के लेवल पे लोक अदालत का की तरह चौपाल लगाकर वहाँ मुकदमों का निस्तारण हो। अभी देखिए संभावना थोड़ी कम है इसकी, क्योंकि हालात मेडिकल इमरजेंसी ऐसी सिचुएशन की वजह से काफ़ी गंभीर बने हुए हैं, जैसे जैसे हालात अच्छे होंगे तो लोक अदालत भी ज़्यादा कामयाब टूल बन के उभरेगा मुकदमों को निस्तारण के लिए। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन